यहाँ पे हम देखते हैं ईंट, मनके और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता की है, इसके बारे में बात करते हैं। हड़प्पा ही मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट क्या है, पुरावस्तु है। चिलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र और एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे कि उनके आवासों, मृद भांडों, आभूषणों, औजारों और मोहरे और दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है, और निश्चित रूप से सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा रहे हैं। परिभाषिक शब्द जैसे स्थान और काल के बारे में बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र और कालखंड में समृद्ध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरे, मनके, वाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, जो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान में है, गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिलती हैं जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी इसके नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पृष्ठों के बीच है। इस क्षेत्र में सभ्यता से पहले और बाद में संस्कृतियां अस्तित्व में हैं जिन्हें क्रमशः आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है, और इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व। कभी कभी आप तिथियों से पहले ईडी यानी हिंदी में देखते हैं लिखा, यह आपको एनो डोमिनो नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। आजकल ईडी की जगह सीई या बीसी का जगह बीसीई का प्रयोग किया जाता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा के लिए और बीसीई अक्षरों का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए उपयोग होता है। हम इन शब्दों के प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजों के बीपी अक्षरों का भी प्रयोग किया गया है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, तथा इस पुस्तक में हमने बीसीई और ईसा पूर्व और सीई के लिए बीसीई के लिए ईसा पूर्व और सीई के लिए ई और बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे कि यहाँ पर बात करें, कुछ विकसित हड़प्पा पुरास्थल यहाँ पर बताए गए हैं। कौन कौन से हैं कुछ विकसित हड़प्पा पुरास्थल? जैसे कि नर्मदा नदी के किनारे हैं यहाँ पर नर्मदा, माही, चंबल नदी के किनारे यहाँ पर जैसे कि रंगपुर लोथल, जो गुजरात वाला इलाका है रंगपुर लोथल। फिर यहाँ पर हम देखें जैसे कि ये भारत के राजस्थान वाला एरिया हो जाएगा, तो राजस्थान वाले एरिया में जैसे कि राजस्थान वाला एरिया हो जाएगा, इधर यहाँ से पाकिस्तान वाला हो जाएगा तो पाकिस्तान में आ जाएगा। जैसे कि सुल्फांगडोर पाकिस्तान की साइड है, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान की साइड, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, आमरी वाला कोट है ये पाकिस्तान में है, सिंधु घाटी सभ्यता का पुरास्थल। इधर सिंध नदी है, सिंध नदी, सतलुज नदी है, हड़प्पा, रावी, चेनाब और झेलम नदी है। तो ये मांडा यहाँ पर क्या है, हड़प्पा पुरास्थल है मांडा। और फिर यहाँ पर हम देखें जैसे कि राजस्थान से ऊपर वाले पार्ट में कालीबंगा, बनावली, मिताथल और राखीगढ़ी, ये हैं यहाँ पर गंगा यमुना के उद्गम स्थान से ऊपर यहाँ पर इस क्षेत्र में। फिर यहाँ पर हम देखें जैसे कि धोलावरी, चंदूहोड़ो, कोटवीजी, ये राजस्थान वाक के बॉर्डर के आसपास आ जाती हैं यहाँ पर। तो आरंभिक एवं विकसित हड़प्पा संस्कृति के बारे में बात करें, सिंधु और चौलिस्तान थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र में बस्तियों के संबंध के विषय में यह आंकड़े हैं। इसे बस्तियों की कुल संख्या है सिंध में 106 है और चौलिस्तान में 239। आरंभिक हड़प्पा स्थल 52 थे सिंध में और चौलिस्तान में 37। विकसित हड़प्पा स्थल 65 थे सिंध में और चौलिस्तान में 136। नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां 43 हैं सिंध में और चौलिस्तान में 132।
दिए गए आरंभिक कड़प्पा स्थल सिंध में 29 हैं और चौलिस्तान में 33 हैं। अब आरंभ के बारे में बात करें, इस क्षेत्र में विकसित कड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपने विशिष्ट मृदवान शैली से संबंधित थी तथा इस संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी, इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग नए के बराबर थी। कुछ स्थानों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में चलाए जाने के संकेतों से और कुछ अन्य स्थानों के त्याग किए जाने के से ऐसा प्रतीत होता है। आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच का क्रम भंग था। निर्वाह के तरीके के बारे में बात करें, जैसे कि विकसित हड़प्पा संस्कृति में कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व हैं जिनमें निर्वाह के तरीके समान थे। हड़प्पा संस्कृति सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों और जानवरों जिसमें मछली भी शामिल थी इनसे प्राप्त भोजन करते हैं। जले अनाज के दानों और बीजों की खोज में पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो गए हैं और इनका अध्ययन पुरा वनस्पति के करते हैं जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल शामिल हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त होते हैं और चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियां, भेड़, बकरी, भैंस और सुअर की हड्डियां शामिल हैं। पुरा प्राणी विज्ञानी तथा जीव पुरातत्वविदों के द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियां जैसे कि बराह, हिरण और घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। यहाँ हम यह भी जान गए कि हड़प्पा सभ्य निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे तथा अन्य आकेटक समुदायों से मांस प्राप्त करते थे। मछली एवं पक्षियों की हड्डियां भी यहाँ पर मिली हैं। तो आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र हम देखें, आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र क्या है, आमली नाल है, ये यहाँ पर दम्बसा दात है, कोट सी जी है, सिंध वाली ये पाकिस्तान वाली एरिया में आ जाएंगे यहाँ पर, ये सिसवल है ये वाला क्षेत्र। नेक्स्ट हम देखें कृषि प्रौद्योगिकी। हालांकि अनाज के दानों में कृषि के संकेत मिलते हैं पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जोते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था, मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियां यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चौलिस्तान के कई स्थलों और वनावलियों यानी हरियाणा से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिलते हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है जो आरंभिक हड़प्पा स्थलों से संबंधित है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान है जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों को बिठाए गए पत्थरों के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अफगानिस्तान में यहाँ पर सोड़तू गई नामक हड़प्पा स्थल से नगरों के कुछ अवशेष मिले हैं परंतु पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी के प्रयोग से सिंचाई के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त धोलावीरा जो गुजरात में है इसमें मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। यहाँ पर हम धातु के कुछ औजार देख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इन औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया जा सकता है? या धोलावीरा से मिला जलाशय इसके राजगीर कार्य पर ध्यान दे सकते हैं हम? इस तरीके का जलाशय धोलावीरा पर मिला है हमें। नेक्स्ट हम देखें पुरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती थी। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र और उन्हें आपस में मिलाने और मिश्रण करने और पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु या मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन पर सबसे आरंभिक रिपोर्ट में एक से कुछ उदाहरण दिए गए हैं जैसे कि अबतल चक्कियां बड़ी संख्या में मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थे। साधारणतः ये चक्कियां स्थूलत, कठोर, कंकरीले, अग्निज और बलुआ पत्थरों से निर्मित थी और आमतौर पर इसमें अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं क्योंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः अवतल है और निश्चित रूप से उन्हें जमीन में या मिट्टी में जमा करके रखा जाता है और जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सकता है।
दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरे का छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता है, जिससे निचला पत्थर खोखला हो जाता है, और दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन और तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियां और मसालों को कूटने के लिए किया जाता है। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिक द्वारा सालान पत्थर का नाम दिया जाता है, और हमारे बावर्ची ने यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय में उधार मांगा है। नेक्स्ट हम देखें पुरातात्विक वर्तमान समय की तुलनाओं में यह समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरात वस्तुएं किस प्रकार से प्रयोग में लाई जाती थी। मैंने खोजी गई वस्तु की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे हैं, क्या यह उपयोगी नीति है? मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू संस्कृति केंद्रों का विकास है। आइए ऐसे एक केंद्र मोहनजोदड़ो और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध स्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा है। बस्ती दो भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है, दूसरा ये कहीं अधिक बड़ा है जिसे नीचे बनाया गया है। तो पुरातत्वविदों की बात करें, यहाँ पर पुरातत्वविदों ने क्रम से दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी हुई थी और दुर्ग की दीवारों से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। तो यहाँ पर हम देखें नक्शे पर रोमन लिपि के अक्षरों पर विविध पुरातत्वों के नामों के संकेत मिले हैं। मोहनजोदड़ो के विविध क्षेत्रों में खुदाई करवाई गई है, जैसे कि यहाँ पर HRV क्षेत्र है, GFD क्षेत्र आ गया, यहाँ पर आ गया मोनियार क्षेत्र, VSV क्षेत्र, BSC क्षेत्र, DKS क्षेत्र, DKV क्षेत्र, खाई आभूषण ब्लॉक, DKG क्षेत्र, ये निचला शहर हो गया, ये दुर्ग हो गया, जैसे पुरा स्थल IMA क्षेत्र, ये भी पुरा स्थल हो गया, पुरा स्थल के अगर नाम दे दिए यहाँ पर। तो हड़प्पा की दुर्दशा के बारे में बात करें, हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल है, इसे ईंट और चुराने वालों ने बुरी तरीके से नष्ट कर दिया था। इसे ईंट चुराने वालों ने हड़प्पा को बुरी तरह नष्ट कर दिया था। 1875 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, इन्होंने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ली गई या ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर और मुल्तान की मिट्टी की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट हो गई थी। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर स्थिति में था और संरक्षित था। अब हम बात करें निचले शहर भी दीवारों से घिरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को चूने ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, और यहाँ जो नींव का कार्य करते थे, अनुमान लगाया गया था कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता है तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवस अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होती है। अब कुछ और देख सकते हैं कि एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्तियों का नियोजन किया जाता था, फिर उनके अनुसार कार्यान्वयन नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल थी जो भले ही धूप में सुखा करके अथवा भट्टी में पका करके बनाई गई थी, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई चौड़ाई के क्रम से 4 गुनी और 2 गुनी होती थी, और इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा सब बस्तियों में प्रयोग में लाई जाती थी। नालों के निर्माण की बात करें, मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विपरीत प्रवेश द्वार को देख सकते हैं। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नलियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उसके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी की गलियों को नालियों में जोड़ना था तो प्रत्येक घर को कम से कम एक दीवार को गली से सटा होना आवश्यक है। हालांकि यहाँ पर हम देखें, हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में से एक छोटा ऊंचा पश्चिम तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्व भाग था, पर नियोजन में विविधता थी। धोलावीरा और लोथल जैसे स्थानों पर पूरी बस्ती क्लेवन थी और शहर के कई हिस्से भी दीवार से घेर करके अलग किए गए थे।
लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा ही नहीं था और यह कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। ग्रह स्थापित अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली के बारे में बात करें। नालियों के विषय में मेकी लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक की खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नलियों से जोड़ा गया है। मुख्य नाले गोरों में जमाई गई ईंटों से बने हैं और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया है जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूने पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया जाता था। घरों की नालियां पहले एक औधी और मलकुंड में खाली होती थी और इसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाते थे तथा गंदा पानी गली की नालियों में भेजा जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियां बनाई गई। यह पुरातत्व का एक अजूबा है जो कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों को अगल बगल बड़े मिले हैं और यह दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता है। जल निकास प्रणाली केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली है। उदाहरण के लिए लोथल में आवासीय के निर्माण के लिए यहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, वही नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। अब मोहनजोदड़ो में एक बड़े आवास का यहाँ पर सम्मिलित आलेखन मिलता है। आंगन कहाँ है, दो सीढ़ियां कहाँ है, आवास का प्रवेश द्वार कहाँ है, ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें भारतीय इतिहास के कुछ विषय में, यहाँ पर हम देखें जैसे कि ये है गृह स्थापत्य के बारे में। गृह स्थापत्य में क्या है, मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें कई कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों के लिए केंद्र था, खास तौर से गर्म एवं शुष्क मौसम में। यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों के द्वारा अपनी एकांतता को दिशा जाने वाले महत्व था। भूमि तल पर बने दीवारों में खिड़कियां नहीं थी, इसके अतिरिक्त कुछ मुख्य द्वार से आंतरिक भाग और आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। हर घर का ईंटों के फर्श से बना और अपना एक स्नानागार होता था जिसकी नालियां दीवारों के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी और कुछ घरों में दूसरी छत तल और छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिनमें बाहर से आया जा सके, जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों के द्वारा किया जा सके। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। नेक्स्ट हम देखें दुर्ग के बारे में। जैसे दुर्ग पर एक ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इसमें एक माल गोदाम, एक ऐसी विशाल संरचना है जिसमें ईंट से बने केवल निचले हिस्से शेष है, जबकि ऊपरी हिस्से में संभवतः लकड़ी से बने और बहुत पहले से नष्ट हो गए थे, और विशाल स्नानगार समृद्ध है। विशाल स्नानगार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए उसके उत्तरी और दक्षिणी भागों में दो सीढ़ियां बनी है। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा करके जिप्सम के गौरे में प्रयोग से इसे तय लयबंद किया गया है। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए हैं जिसमें से एक में एक बड़ा कुआं तथा जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता है। इसके उत्तर में एक एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसके 8 स्नानागार बनाए गए थे और इस गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे और प्रत्येक स्नानागार में नालियां गलियारों के साथ साथ बने एक नाले में मिलती है। और इस संरचना का अनोखापन दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ साथ इसके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता है। क्या दुर्ग पर माल गोदाम और स्नानगर के अतिरिक्त अन्य संरचनाएं भी मिली हैं, ये हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्तंभ वाला हॉल है, यहाँ पर दिखाया गया है एन हॉल। ये यहाँ पर दीक्षित द्वारा खोदी गई खाई एक दिखाई गई है, जैन सेन द्वारा खोदा गया कुआं है। और यहाँ पर हम देखें संरक्षित पूर्वी दीवार यहाँ पर है, मार्शल द्वारा खोदी गई गहरी खाई है। यहाँ पर विशाल आंगन है, महाविद्यालय है, देवीय मार्ग है, स्तूप क्षेत्र है, विशाल स्नानागार है, माल गोदाम, सीढ़ियां, व्हीलर द्वारा खोदी गई गहरी खाई है, पुरा स्थल है यहाँ पर, और ये संरक्षित दीवार है जो बाहर से इस किले को संरक्षित करती है। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, जैसे कि सभाधान। पुरातत्वविद जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं।
इन्हीं विधियों में से एक थी शवाधानों का अध्ययन। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, इनसे परिचित है। इसमें कई पिरामिड राजकीय शवाधान थे, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों के गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी शवाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतह पर ईंट की चिनाई की जाती थी। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नता की ओर संकेत करती हैं? ये कहना कठिन है। कुछ कब्रों में मृदभाण और आभूषण मिले हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जा सकता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवाधानों में आभूषण मिले हैं 1980 के दशक के मध्य में। हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में से एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले, जैस्पर एक प्रकार का ओपरल के मनके और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों में बना करके एक आभूषण मिला है। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणा के साथ दफनाया गया है, परंतु कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। विलासिता की वस्तुओं की खोज के बारे में बात करें, सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पुरा वस्तुओं का अध्ययन, जिन्हें पुरातात्विक मोटे तौर पर उपयोगी और विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिन्हें पत्थर और मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सके। इसमें चक्कियां, मृदभांड, सुइयां और झावा आदि शामिल हैं। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र रूप से पाई जाती हैं। पुरातात्विक उन वस्तुओं की कीमत मानते हैं जो दुर्लभ हो और महंगी हो। स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से और जटिल तकनीकों से बनी होती है। इस प्रकार फायान, घिसी हुई रेत और बालू और रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ, छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते हैं क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। नेक्स्ट हम देखें संचय शब्द। लोगों के द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांश पात्रों, जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता, ऐसे संचय आभूषण के हो सकते थे, और धातु कर्मियों के द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखे गए धातुओं के लिए। यदि किसी कारणवश मूल निवासियों ने या मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया, तब तक उनके स्थान पर ही रहते हैं और अब तक कोई भी पुरातात्विक इन्हें खोज नहीं निकालता है। स्थिति तब भी जटिल थी और अब भी रोजमर्रा की प्रयोग की वस्तुएं जैसे कि तकलिया, जो फयांस जैसे दुर्लभ पदार्थों से बनी है, मिलती है। क्या हम इसका वर्गीकरण उपयोगी से या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में कर सकते हैं? यदि हम ऐसी पुरा वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित हैं, और छोटी बस्तियों में ये बिरले ही मिलती हैं। उदाहरण के लिए फयान से बने लघु पात्र, जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, अधिकांश से मोहनजोदड़ो हड़प्पा में मिले हैं, और कालीबंगा जैसी छोटी बस्तियों के बिल्कुल नहीं है। सोना भी दुर्लभ एवं संभवतः आज की तरह कीमती था, और हड़प्पा स्थलों में मिले सभी यहाँ पर स्वर्ण आभूषण संचय से प्राप्त हुए हैं। शिल्प उत्पाद के विषय में जानकारी, यहाँ पर हम देखें चंदूहड़ो के चिन्ह चित्र है। मोहनजोदड़ो हेक्टर की तुलना में बहुत छोटी बस्ती है, जो लगभग पूरी तरीके से शिल्प उत्पादन में संलग्न है। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण और बाट बनाना सम्मिलित है। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों को विविधता उल्लेखनीय है। कार्नी लिंगन सुंदर लाल रंग का, जैस्पर स्फटिक, क्वार्टज तथा सिलखड़ी जैसे पत्थर, तावा, कासा, सोने जैसे धातुएं तथा शंख, फ्रयान और पक्की मिट्टी, सभी का उपयोग प्रयोग मनके बनाने में होता है। कुछ मनके दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते हैं, और कुछ सोने के टोपे वाले पत्थर के होते हैं। इसके आकार होते हैं जैसे कि चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, डोलाकार और खंडित, और कुछ को उत्कीर्ण एवं चित्रकारी के माध्यम से सजाया जाता है। कुछ पर रेखा चित्र है किए जाते हैं। मनके बनाने की तकनीक में प्रयुक्त पदार्थों के अनुसार भिन्नताएं थी। सेल खड़ी जो कि एक बहुत मुलायम पत्थर है, इस पर आसानी से कार्य हो सकता है। कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण के लेप की सांचों में डाल करके तैयार किए जाते थे। इसमें से ठोस पदार्थों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों में मनके बनाए जा सकते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। पुरातत्वविदों के द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कॉर्नी लिंगन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पका करके प्राप्त किया जाता है। पत्थरों के पिंडों के पहले अपरिष्कृत आंकड़ों में तोड़ा जाता है, और फिर बारीकी से शब्द निकाल करके इन्हें अंतिम रूप दिया जाता है। घिसाई, पॉलिश और इसमें छेद करने के साथ यह प्रक्रिया पूरी होती है।
चंदू हेड़ो लोथर और हाली में धोलावीरा में छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। मिट्टी से बनी पुरावस्तुएं मृदभांड, इसमें से कई पुरावस्तुएं दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और लोथल के स्थानीय संग्रहालय में देखी जा सकती हैं। यदि आप मानचित्र को देखें तो नागेश्वर और बालाकोट को चिन्हित कर गएंगे तो आप पाएंगे कि दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं और शंख से बनी वस्तुएं जिसमें चूड़ियां, कड़छियां, बच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं। इनके निर्माण के विशेष केंद्र भी यहाँ के माल दूसरी बस्तियों तक ले जाए जाते हैं। और इसी प्रकार यह भी संभव है कि चंदूगढ़ लोथल से तैयार माल जैसे मनके, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी शहरी केंद्रों तक लाया जाता है। उत्पादन केंद्रों की पहचान के बारे में बात करें, शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातात्विक सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं, प्रस्तर पिंड, पूरे शंख और तांबा आयस्क जैसे कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट आदि। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्यों के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख और पत्थर को काटा जाता है तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते हैं। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता है। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता है। माल प्राप्ति करने संबंधी नीतियां, जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है, कुछ ऐसे पत्थर, लकड़ी और धातु जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्रों में मंगाने पड़ते हैं। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप सम्मिलित करते हैं। यह सामान और लोगों के लिए स्थल मार्गों के द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। संभवतः सिंधु और उसकी उपनदियों के बगल में बने बने मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उप महाद्वीपीय और उसके आगे से आने वाले माल के बारे में बात करें, हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध थे बस्तियां स्थापित की, ऐसे ही कुछ अन्य पुरातत्व जैसे कि सुदूर अफगानिस्तान में सारतुघई जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था, और लोथल जो कॉर्नेलियन यानी गुजरात में भड़ोज, और शेलखड़ी जो दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात में, और धातु राजस्थान से स्रोतों के निकट स्थित थे। कच्चे माल की बात करें, कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी राजस्थान के खेतड़ी अंचल यानी तांबे के लिए और दक्षिणी भारत सोने के लिए जैसे कि क्षेत्रों में अभियान भेजना। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया गया और इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरा वस्तुएं जैसे कि संपर्कों के संकेत है। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने ज्ञानेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदवाण हड़प्पाई मृदवाणों से भिन्न थे और यहाँ तांबे की वस्तुओं को असाधारण संपदा मिली है। ऐसा संभव है कि इन क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा बेचते थे। फिर यहाँ पर बात करें भूमध्य सागर के बारे में, भूमध्य सागर मेसोपोटामिया, उरुक और उर्रे कैस्पियन सागर है, ऑलिन डेपे, तुरान शहर ए शौकत, हड़प्पा, मोलुआ, लोथल, सुतकानगोर, टप्पेरहिया, मगान, रसाल जैनिस और ये दिलमून है। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क के बारे में बात करें, ओमान में मिला एक हड़प्पाई मतवान है। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, हाल ही में हुए पुरातात्विक खोजें इंगित करती हैं कि ताबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता है। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे और हड़प्पाई प्रा वस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क और भी संकेत मिलते हैं, एक विशिष्ट प्रकार के पात्र और एक बड़ा हड़प्पाई मर्दान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है ओमानी स्थलों से मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती है। हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा है और पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें रखे सामान को ओमानी तावे से विनिमय करते हैं। फिर हम देखते हैं तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दिनों दिन मेसोपोटामिया के लेखों में मगान भी संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम है नामक क्षेत्रों में तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। जहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी पे के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरें, बांट, पासे और मनके शामिल हैं।
इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मोसापोटामिया के लेख दिलमुन संभवतः बहरीन द्वीप मगान और मोलुआ संभव हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों में संपर्क की जानकारी मिलती है और यह लेख मोलुआ से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं। कॉर्नेलियन लाजवर्द मणि और तारवा सोना और विविध प्रकार की लकड़ियां मोलुआ के विशेष में एक मोसापोटामिया मिथक यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी अजा पक्षी हो उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हजा पक्षी मोर था। क्या यह नाम उसे अपनी आवाज से मिला था? ऐसा संभव है कि ओमान बहरीन और मोसापोटामिया से संपर्क समुद्री मार्गों से था। मोसापोटामिया के लेह मलुआ को नाविकों का देश कहते हैं और इसके अतिरिक्त इन मोहरों पर जहाजों और नावों के चित्रांकन मिलते हैं। तो यहाँ पर मोसापोटामिया में विशिष्ट बेलनाकार मोहर यहाँ पर दी गई है, परंतु इस पर बना कुबड़दार वृषभ का चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें बहरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर पर कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। रोचक तथ्य है कि दिलमुन के स्थानीय बांट हड़प्पाई मानक का अनुकरण करते हैं। नाग के चित्र वाली मोहर यहाँ पर मिली है। फिर यहाँ पर एक प्राचीन सूचना पट्ट के अक्षर हैं, जैसे सूचना के लिए लिखा गया है। मोहरे लिपि और बांट के बारे में बात करें, रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन है यहाँ पर। मोहरे और मुद्रांकन, मोहरे और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया, उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा करके एक या अधिक मोहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ जाती है। और यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण रहा तो इसका अर्थ यह कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी यहाँ पर पता चलता था। एक रहस्यमय लिपि के बारे में बात करें, सामान्यतः हड़प्पाई मोहर पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिकों के नाम और पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर या अनपढ़ लोगों का सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता है। अधिकांशतः अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमाली है। यहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा एक व्यंजन को दर्शाता है। नहीं थी, बल्कि इसमें चिन्ह की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि एक लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाई ओर चौड़ा अंतराल था और बाई ओर संकुचित। इससे लगता है कि संकीर्ण में दाई ओर लिखना प्रारंभ किया और बाद में बाई ओर के स्थान कम पड़ गया। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मोहरे तांबे के औजार, मर्तमानों के अंबा तांबे और मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि छड़े और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट्ट। याद रखिए, हो सकता है कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता है। क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? वाट की बात करें, विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म एक परिशुद्ध प्रणाली के द्वारा निर्मित थे। ये बांट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर ये भी किसी तरह के निशान से रक्षित घनाकार थे होने थे। इन बांटों के निचले मापदंड दी आधारकारी यानी कि 12,800 थे, जबकि उत्तरी मापदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बांटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। प्राचीन सत्ता के बारे में बात करें, हड़प्पाई समाज में जटिल फैलने लगे हैं। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए संकेत भी यहाँ पर मिले हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं के में असाधारण एक रूपता को ही ले लें, जैसा कि मृत भांडों में मोहरे बांटों और ईंटों से स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि ईंट, जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। हमने यह भी देखा है कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता के अनुसार स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त ईंट बनाने और विशाल दीवारों और चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संकित किया गया। प्रसाद और शासक के बारे में बात करें, सत्ता के केंद्रों सत्ताधिकारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते हैं। पुरातात्विदों ने मोहनजोदड़ो से मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी है, परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तु नहीं मिली है। एक पत्थर को मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातात्विद मोसापोटामिया के इतिहास और यहाँ के पुरोहित राजाओं से प्रचलित हैं और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी है।
लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता का अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी जा सकती हैं, और न ही है जानने के साधन है कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते हैं उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती है। कुछ पुरातात्विक इस मत के लिए हैं कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं है और सभी को सामाजिक स्थिति समान है। दूसरे पुरातात्विक यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आणि के अपने अपने अलग राजा होते हैं। कुछ और यह तर्क देते हैं कि एक ही राज्य था, जैसे कि पुरातात्विकों में समानता है। नियोजित बस्तियों के साक्ष्य, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात और बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है कि अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्ति संगत प्रतीत होती है, और क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता है कि पूरे के पूरे समुदायों के द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए और कार्यान्वित किए जाते हैं। सभ्यता के अंत के बारे में बात करें, जैसे कि यहाँ पर जूकर, सिंधु, इष्टद, सवाधान और उत्तरावर्ती सिसवल और रंगपुर बीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सभ्यता के अंत में बात करें, ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व सोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांशतः विकसित हड़प्पा स्थलों का त्याग किया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी यहाँ पर बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद में अस्तित्व में आए। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, जैसा कि सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बांटों, मोहरों और विभिन्न विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना है। लेख और लंबी दूरी का व्यापार शिल्प विशेषज्ञता में भी समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता है। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ, बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया था। कुल मिलाकर के पुरावस्तु और वस्तुओं की इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है, और संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा और अनुवर्ती संस्कृति कहा जाता है। ये परिवर्तन कैसे हुए, इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना और मार्ग बदल लेना, भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। इसमें कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व, संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया और मोहरे लिपि और विशिष्ट मनकों और मृदवांडों का लोग मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग और शहरों के पतन और परित्याग जैसे परिवर्तनों में इस तरह को बल मिलता है। उपमहाद्वीप की एक पूरी तरीके से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए सहस्त्रवादियों ने भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। एक आक्रमण के साक्ष्य के बारे में बात करें, डेडमैन लेन एक संकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्ती है, और ये एक बिंदु जहां तक की गली पश्चिम की ओर मुड़ती है 4 फीट और 2 इंच की गहराई तक, एक खोपड़ी का भाग और एक व्यास की छाती, हाथ से ऊपर भाग की हड्डियां मिली हैं। ये सभी बहुत बुरबुरी अवस्था में थी, और यह धड़ पीठ के बल या गली में आड़ा हुआ पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है। 1925 में मोहनजोदड़ो में इसी भाग में 16 लोगों के अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले हैं जो उनकी मृत्यु के समय पहने थे। कुछ समय बहुत समय पश्चात 1947 में R.E.M. बीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों को उपमहाद्वीपों में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों के संबंध में स्थापित करने का प्रयास किया है। उन्होंने लिखा है कि ऋग्वेद में पुर का उल्लेख होता है जिसका अर्थ होता है प्राचीर, किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर या गढ़ विध्वंसक कहा जाता है। ये दुर्ग कहाँ है, ये पहले यह माना गया कि ये मिथक मात्र है। हड़प्पा में हाल ही में हुए उत्खनन में मानव की परिदृश्य बदल गया। यहाँ हम मुख्यतः अनार्य प्रकार के एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं। इसमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियां की गई है, और एक सुदृढ़ रूप से स्त्री सभ्यता कैसे नष्ट हो गई, हो सकता है कि जलवायु संबंधी आर्थिक और राजनीतिक ह्रास इसे कमजोर किया हो, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर या बड़े पैमाने पर किए गए विनाशों ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया है। यह मात्र सहयोग ही नहीं हो सकता है। मोहनजोदड़ो की अंतिम चरण में आभास होता है कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का जलसंहार किया गया। परिस्थिति के साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्ति माना गया। फिर 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातात्विक ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थि पंजर एक ही काल से संबंध नहीं थे। हालांकि इनमें से 2 निश्चित रूप से संगार के संकेत मिले हैं, पर अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों में मिली हैं वे इंगित करती हैं कि अत्यंत लापरवाही और श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए समाधान थे। शहर के अंतिम काल में संबंध विनाश का कोई स्तर नहीं था। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह नहीं है।
ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं है और दुर्ग से भी शहर का एकमात्र किलेबंद भाग था। अंतिम आत्मरक्षण की कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तथ्यों का सावधानी पूर्वक पुनर्निरीक्षण कभी कभी पूर्ववर्ती व्याख्याओं की पूरी तरीके से उलट देता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कर इस संदर्भ में किया है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा है। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। यह हड़प्पा सभ्यता के शहर संग नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में शताब्दियों के बाद रहना आरंभ किया तो वे यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ और मिट्टी के कटाव के कारण और खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित प्रा वस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। कार्निंगम का भ्रम। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कार्निंगम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए तब पुरातात्विक अपने अन्वेषणों में मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों यानी साहित्य और अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कर्निंगम ने मुख्य रुचि थी कि आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व उसके बाद के कालों के संबंधित पुरातत्व में थे। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच उपमहाद्वीपों में आए चीनी और बौद्ध तीर्थयात्रियों के द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया है। कर्निंगम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण प्रलेखन और अनुवाद भी किया है। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरा वस्तुओं को खोजने का प्रयास करते थे उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व भी थे। कनिंगम के द्वारा हड़प्पा से प्राप्त पहली ज्ञात मोहरों को बनाया गया लेखा चित्र हम देखें। हड़प्पा जैसे पुरास्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंगम के अन्वेषण के ढांचे में प्रयुक्त नहीं बैठता था। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरा वस्तियाँ 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी, इनमें से कुछ तो कनिंगम तक पहुँच भी नहीं थी पहुंच भी थी फिर भी वह समझ नहीं पाए कि पुरा वस्तुएं कितनी प्राचीन थी। एक अंग्रेज ने कनिंगम को एक हड़प्पाई मोहर दी। उन्होंने मोहर पर ध्यान तो दिया पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में या दिनों दिन करने का असफल प्रयास किया जिसमें वे परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ में हुआ है। इसकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते इसका कोई आश्चर्य बात नहीं कि यह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। पुरास्थल टीले और स्तर के बारे में बात करें। पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमि खंड के अनवरत उपयोग और पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है जिन्हें टीला कहते हैं। अल्पकालीन और स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा और पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमि खंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है और इन टीलों में मिले स्तरों से प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है। ये स्तर एक दूसरे से रंग प्रकृति और उसमें मिली पुरातत्व के संदर्भ में भिन्न होते हैं। परित्यक्त स्तर जैसे कि बंजर स्तर कहा जाता है इसकी पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव में की गई है। सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपले नवीनतम होते हैं। इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहते हैं। स्तरों में मिली पुरातत्वों का विशेष सांस्कृतिक कालखंडों में संबंध किया जा सकता है। इसमें एक पुरास्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम देखें एक नवीन प्राचीन सभ्यता के बारे में। कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दया राम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा की मोहरे खोज निकाली जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों में से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंधित थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातात्विक रखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरे मोहनजोदड़ो से खोज निकाली। इनका अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी के एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। जैसा कि M.N. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उसे उसने 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मोसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खनन से हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मोहरें जैसी पर यह एक पहचान नहीं की जा सकी कि मोहरें मिली थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली यह भी मोसोपोटामिया के समकालीन थी।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल रहा है। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातात्विक थे और वे यूनान और क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंगम की तरह उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनके दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी। नेक्स्ट हम देखें ईंटें। यहाँ पर जो मार्शल है, मार्शल पुरातत्व के स्तर विन्यास की पूरी तरीके से अनदेखा कर पूरे टीले के समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों के संबंध में होने वाले एक विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया गया। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ में विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए तृप्त हो जाती थी। नई तकनीकों तथा प्रश्नों के बारे में बात करें, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने IAM व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक है। साथ ही सेना की वृद्धि ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं को आज भी राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा बहुत संबंध नहीं है या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीपों के विभाजन और पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में है। इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षणों में कई हड़प्पा बस्तियां प्रकाश में आई। पंजाब और हरियाणा में हुए अन्वेषणों में हड़प्पा संस्कृतियों से जुड़ी कई नाम से जुड़े गए। हालांकि कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी और हाल ही में धोलावीरा की खोज, यहाँ हुए अन्वेषण उत्खनन इन्हीं प्रयासों के हिस्से थे और नए अन्वेषण अब भी जारी हैं। इन दशकों में नए प्रश्न हैं महत्वपूर्ण हो गए। यहाँ कुछ पुरातात्विक आमतौर पर सांस्कृतिक उपाक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते थे, वही कुछ और विशेष पुरास्थलों को भौतिक स्थितियों के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते थे। वे पुरावस्तुओं की रूप निधि में जूझते रहते थे, उनकी संभावित उपयोगिता को समझने का प्रयास करते थे। नेक्स्ट हम देखें हड़प्पा से मैं व्हीलर के बारे में बात करें। हड़प्पा में व्हीलर आरंभिक पुरातात्विक कई बार साहस की भावना से कार्य करते थे। व्हीलर ने हड़प्पा में अपने अनुभव के विषय में यह लिखा था कि मुझे याद आता है कि 1944 में एक गर्म रात को पुरातात्विक सर्वेक्षण के नवनियुक्त डायरेक्टर जनरल के रूप में अपने स्थानीय मुस्लिम अधिकारी के साथ हड़प्पा नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन में एक गहरे बालू के रास्ते पर 4 मील की तांगे की सवारी कर मैं प्राचीन स्थल के टीलों जो चांद की रोशनी से आलोकित था इसके समीप स्थित एक विश्राम गृह तक पहुंचा। इसमें चिंतित सहकर्मी को इस चेतावनी में कि हमें इसका निरीक्षण अगली सुबह 5:30 बजे से आरंभ करके 7:30 तक समाप्त कर देना चाहिए, इसके पश्चात बहुत अधिक गर्मी हो जाती है। इसके बाद प्रवेश द्वार में काली आकृति के पंखे वाले को धीरता पूर्वक बैठा छोड़ तथा पड़ोस की बीहड़ से अनगिनत सियारों की रात की हवा की चीरती हुई आवाज के बीच हम सोने चले जा रहे थे। अगली सुबह ठीक 5:30 बजे हमारी छोटे से काफिले ने बालू के टीलों को और बढ़ना आरंभ किया और 10 मिनट के भीतर में ही रुका और सबसे ऊंची टीले को देखते हुए अपनी दृष्टि पर अविश्वास के साथ अपनी आंखें मलने लगा। 6 घंटे के बाद भी मेरे घबराए हुए और कर्मचारीगण मैं सूर्य की तेज रोशनी में कुदालियां और चाकुओं के साथ कठिन परिश्रम कर रहे थे। मुझे डर है कि मेरे सहयोगी काम के लिए मेरे जुनून के कारण मुझे सनकी ने समझ लें। 1980 के दशक में हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीपों और विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे हैं। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं जिसमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं, वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं। अतीत को जोड़कर कूड़ा करने की समस्या हम देखें, जैसा कि हमने देखा है कि हड़प्पाई लिपि में एक प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती है, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातत्व की हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। ये वस्तुएं मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान हो सकता है, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी और सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान पर सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं बच जाती हैं वे
पत्थर, पक्की मिट्टी और धातु है। यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुओं ही फेंकी जाती थी, अन्य वस्तुएं संभवतः पुनः चक्रित की जाती थी। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिलती थी, या तो वे अतीत में खो गई थी या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई। अन्य शब्दों में कुछ खोजें प्रारूपिक की बजाय संयोगी होती हैं। खोजों के वर्गीकरण की बात करें, पुरात वस्तुओं का पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातत्वविद अपने खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण के लिए एक सामान्य सिद्धांत प्रयोग किया जाता है, जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, धाति, दांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरण के लिए कोई पुरा वस्तु एक औजार है या एक आभूषण या फिर दोनों या अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु। किसी पुरा वस्तु की उपयोगिता को समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित की जाती है। मन के चक्कियां, पत्थर के पलक, पात्र इनके स्पष्ट उदाहरण हैं। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ में परीक्षण के माध्यम से करते हैं जिनसे वह मिलती है। क्या वे घर में मिली है या वे कब्र में या फिर भट्टी में। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्य जैसे मूर्तियों के चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखें कि पुरातत्वविदों को संदर्भ को रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है। हमने देखा है कि पहली प्राप्त हड़प्पाई मोहर को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि पुरातत्वविद को समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला हो। सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वह मिली थी, मोसापोटामिया में हुई खोजों की तुलना, दोनों के संदर्भ में हम बात करें। व्याख्या की समस्याएं हम देखें, जैसे कि पुरातात्विक व्याख्याओं की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों के सामने आती रही है। आरंभिक पुरातात्विकों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती हैं। इसमें आभूषण से लदी हुई नारी मृण मूर्तियां जिसमें कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे शामिल है। इसमें मातृ देवियों की संज्ञा दी गई है। पुरुषों को दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां जिसमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रख बैठा हुआ दिखाया गया है, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया है। अन्य दृष्टांतों में संरचना और अनुष्ठानिक महत्व का माना जाता है। इसमें विशाल स्नानागार, काली मंगन और लोथल में मिली वेदियां सम्मिलित हैं। नेक्स्ट हम देखें कि मोहरों जिसमें कुछ कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, इनके परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं प्रथाओं का पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित हैं और मान्यता के अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक सींगी कहा जाता है, कल्पित और संश्लेष लगते हैं। कुछ मोहरों पर एक आकृति जैसे पालथी मार्क योगी की मुद्रा में बैठाया दिखाया जाता है। कभी कभी जिन्हें जानवरों से घिरा दर्शाया जाता है, एक आंध विश्व या हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप से संज्ञा दी जाती है। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं के लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक और बाद की परंपराओं में समानता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांशतः पुरातात्विक ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, वर्तमान से अतीत की ओर बढ़ते हैं। हालांकि यह नीति पत्थर के चक्कियों और पात्रों के संदर्भ में युक्तिसंगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में यह अधिक संदिग्ध रहती है। लिंग उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में की जाती है। उदाहरण के लिए आइए हम आदि शिव मोहरों को देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद में पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है। पहली शताब्दी ईस्वी में हम देखें कि शिव के विपरीत रूप रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति सामान्य रूप से जानवर और विशेष रूप से मवेशियों के स्वामी और न ही उसे योगी के रूप में दिखाया गया। दूसरे शब्दों में यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता है। फिर क्या कोई संबंध था, जैसा कि कुछ विद्वानों ने सुझाया है। संबंध भी महिला और पुरुष होते हैं जो जादुई या इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही दूसरी दुनिया को से संपर्क साधने के सामर्थ्य को दावा करते हैं। तो यहाँ पर इतने दशकों में हुए पुरातात्विक कार्यों की क्या उपलब्धियां हैं और हड़प्पाई अर्थव्यवस्थाओं के बारे में हम हमारी जानकारी कुछ बेहतर है। हम सामाजिक विभिन्नताओं की गुत्थी सुलझाने में सफल हुए हैं। सभ्यता की कार्यप्रणाली के विषय में हमारी जानकारी कुछ बड़ी है। सच में यह स्पष्ट नहीं है कि लिपि के पढ़े लिखे जाने पढ़े जाने की स्थिति में हम और कितना जान पाते।
एक द्विभाषिक अभिलेख मिलता है तो हड़प्पा निवासियों को बोली जाने वाली भाषाओं के विषय में प्रश्नों पर संभवतः विराम लग जा सकता है। कई पुराने निर्माण अभी भी संदिग्ध बने हुए हैं। क्या विशाल स्नानागार एक अनिष्टान संरचना है? साक्षरता कितनी व्यापक थी? हड़प्पाई कब्रिस्तानियों में सामाजिक भिन्नता कम क्यों दिखाई देती है? स्त्री पुरुष संदर्भों में जुड़े प्रश्न भी अनुत्तरित हैं। क्या महिलाएं मृदभांड बनाती थी या फिर केवल उन्हें रंगने का कार्य करती थी जैसा कि आजकल होता है? दूसरे शिल्पकर्मियों की क्या कार्य थे? नारी मृण मूर्तियों का क्या उपयोग है? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में स्त्री पुरुष संबंधों में जुड़े पहलुओं पर बहुत कम विद्वानों ने निरीक्षण किए हैं। यह भविष्य में होने वाले कार्य के पूरी तरीके से नया क्षेत्र है। फिर हम बात करें सबसे आरंभिक उत्खननों में से एक मैके इन पत्थरों के विषय में कहते हैं कि लाजवर्दी मणि जैपसर जौलसेडनी तथा अन्य पत्थरों से बने मोटे छोटे आकार के शंकुओं में सुंदरता से तराशने के तैयार किए गए थे जो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे। उनको लिंग को लिंग भी माना जाता है। दूसरी तरफ यह भी संभव है कि इनका प्रयोग पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों में होता है, जैसे कि ये है पट्टी मिक्की की खिलौना गाड़ी। तो कालवे के आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड हम देखें 20 लाख वर्ष वर्तमान से 20 लाख वर्ष पहले क्या है? निम्न पुरापाषाण आया था। 80,000 वर्ष पहले मध्य पाषाण पुरापाषाण, 35,000 वर्ष पहले उच्च पुरापाषाण, 12,000 वर्ष पहले मध्य पाषाण, 10,000 वर्ष पहले नवपाषाण। आरंभिक कृषक और पशुपालक आ गए नवपाषाण में। 6,000 वर्ष पहले ताम्रपाषाण तांबे का पहली बार उपयोग। 2600 वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता। 1,000 ईसा पूर्व आरंभिक लोह काल महापाषाण समाधान। 600 से 400 वर्ष पूर्व आरंभिक ऐतिहासिक काल। फिर हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण में देखें 1875 में हड़प्पाई मोहरपर कालिंगम की रिपोर्ट। 1921 में यहाँ पर क्या हुआ था? माधव स्वरूप वत्स से द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ। 1925 में मोहनजोदड़ो में उत्खनन का आरंभ। 1946 में आर ई एम बेलर के द्वारा हड़प्पा में उत्खनन। 1955 में एसआर राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ। 1960 में बी लाल और बी के थापर के नेतृत्व में कालीबंगा के उत्खनन का आरंभ। 1974 में ए आर मुगल के द्वारा बहावलपुर के अन्वेषणों का उत्खनन। 1980 में जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सत्य अन्वेषणों का आरंभ। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ। 1990 में आर एस विश्व के द्वारा धोलावीरा में उत्खननों का आरंभ है। यह एक हड़प्पाई समाधान दिखाया गया है यहाँ पर। और हड़प्पा की जानकारी यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, हड़प्पा.com पर।